क्या बोलते हैं, अरे ओमकार मम्मी किधर है? हाँ तो मेरी मम्मी मेरे पास देख रही है, हमें बोल दिया ओमकार क्या। Yo, what up, my beautiful people? How are you guys? I hope you all guys are doing well. And also a very lovely good morning to you guys, because आज मेरी morning बहुत जल्दी हो गई है because for some obvious reasons. So right now what I'm going to do, I'm going to make my morning breakfast. Lot of you guys are commenting on my last vlog that what is your breakfast? Alright guys, right now I am going to make my morning shake. So as you guys can clearly see, this is oats and this is all nuts, akrod, kaju, badam, and this what, anjeer, and this manuka, and this pista, and honey, and this peanut butter. So abhi ek do chamach oats dal raha hu. Right now, all the nuts goes in. And how can I forget my protein powder? So isko ek scoop. एंड राइट नाउ आई एम गोइंग टू ग्राइंड दिस। आप देख सकते हो मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है और अभी मैं इस दूध को इसमें डालूंगा, थोड़ा इस हनी को भी थोड़ा डालूंगा इसमें। दैट्स इट। एंड लास्ट थिंग गोस दिस पीनट बटर। इतना पीनट बटर काफी है। एंड माई मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शेक इज डन। और जैसे कि मेरे किचन में देख सकते हो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट बन रहा है और यहाँ पर मछली और यहाँ पर मेरी ताई। ताई कैसी हो? एकदम ठीक। और कुछ क्या कहते हो? क्या करूँ? ओके, सो शी इज मेकिंग ऑमलेट एंड यस एंड दैट्स इट। इतने सब इंग्रेडिएंट्स मेरे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में होते हैं। अब मैं आपको क्लियरली ये नहीं बता सकता कि इसमें कितने प्रोटीन, कितने फैट्स, कितने कार्ब्स रहते हैं, बट ये बहुत हेल्दी है। मतलब आप इसको पियोगे ना तो दो तीन घंटे आपको भूख बिल्कुल भी नहीं लगेगी, इसलिए मैं इसको मैं मॉर्निंग में लेता हूँ। एंड येस दैट्स इट। टेस्ट में बहुत ऑसम है। सो अगर आपने मेरा लास्ट व्लॉग मिस किया रहेगा देन लेट मी गिव यू अ स्मॉल रिकैप। वेल, लास्ट व्लॉग में मैंने मेरा व्लॉगिंग सेटअप को अपग्रेड किया, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने मेरे व्लॉगिंग सेटअप को रोड माइक और जो भी ट्राइपॉड से अपग्रेड किया। और मुझे फ्यूचर में बहुत सारे अपडेट्स करने हैं मेरे चैनल पे। चैनल पे कंटेंट के तो बहुत सारे अपडेट आने ही वाले हैं, एक्सेसरीज एंड गियर्स में भी अपडेट करने हैं। मैं ये सोच रहा हूँ अभी थोड़े दिन में GoPro Hero 9 आने ही वाला है तो वो लूँ या फिर Hero 8 लूँ। अभी इन दोनों के बीच में मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, Hero 8 लूँ या फिर Hero 9 लूँ। एंड गाइस ड्रोन भी लेने का चल रहा है, थोड़ा डाइसी हूँ ड्रोन के मामले में। अगर लिया देन ले लूँगा, मतलब मेरा नेचर गाइस ऐसा ही है, अगर मतलब मेरे को पसंद आ गई ना वो चीज़ वो मैं ले ही लेता हूँ। ड्रोन के मामले में थोड़ा डाइसी हूँ बट Hero 8 या फिर Hero 9 तो आने ही वाले हैं फ्यूचर में। सो यस ऑलराइट गाइस, राइट नाउ इट इज़ 10 PM इन द नाइट। सो हियर यू कैन सी माई फ्रेंड्स फीलिंग अनकम्फर्टेबल राइट नाउ। अभी कैमरा ऑफ था तो बहुत चिल्ला रहे थे। सो आफ्टर एंड लाइक थ्री फोर टेक्स ओमकार, अरे ओमकार इतना क्यों शर्मा रहा है, तुम्हारे ऊपर एक प्रैंक कर दिए। सो अभी ओमकार अपनी लाइफ की, अरे क्यों मुंडी नीचे रख गाइस, लिटरली अभी इतना शर्मा रहा है कैमरा के सामने। कैमरा ऑफ होने के बाद इसकी मस्ती इसी रहती है ना। सो अभी ये अपनी कॉलेज की एक घटना शेयर करने वाला है अपने साथ। सो क्या हुआ था ब्रो, बता मेरे व्यूअर्स को। अरे बाबा बंद करना बोलो फिर। तो सीन ऐसा हुआ था, कॉलेज में बुलाया था मेरे को, कॉलेज में इसको बुलाया था। ओके, कितना, दो साल में, मतलब पूरा साल मैं बैठा ही नहीं कॉलेज में। अच्छा। और डायरेक्ट गया एग्जाम को, एग्जाम के एक दिन पहले। ओके, एग्जाम के एक दिन पहले गया तो पहले तो वॉचमैन ने पूछा कि इधर आ रहे, आई कार्ड किधर है, ना आन लाओ। यही कॉलेज का है ना पक्का? हाँ यही कॉलेज का है, अभी देखा नहीं तेरे को? अच्छा, नहीं नहीं यही कॉलेज का है, पूछो। फिर दोस्त आए पीछे से, अरे चल पूछो, माजा मित्र है बोला। ठीक है चल, गया ऊपर गया। टीचर बोलते है कल पेरेंट्स आने चाहिए तेरे। अच्छा, तो पूरा साल बैठा नहीं है कॉलेज में, तेरे पेरेंट्स आने ही चाहिए। अच्छा ठीक है बोला, चलो मैडम। हाँ ठीक है मैडम, लेके आता हूँ। ओके, घर पे गया, घर पे तो बता नहीं सकता बाबा पूरा साल बैठा नहीं है मैं, मेरे को जाने गए। ठीक है बोला, तो गया मैं। बोला सोचा क्या करूँ, रिलेटिव्स को भी नहीं लेके जा सकता। बंद कर मोबाइल, बंद कर। फिर तो फिर मैं सोचा अभी किसको लेके जाऊँ, कोई ऐसी बड़ी आंटी भी नहीं है मतलब पहचान में कि मतलब अपना दोस्त की मम्मी है लेके जा सकता है, दोस्त की कोई नहीं है। हाँ कोई नहीं है।
किसको लेके जाऊँ किसको लेके जाऊँ किसको लेके बैठा था मैं, मम्मी बोली जा रहे ओमकार दहन दे उन्हें। अच्छा आटा देने, उसकी माँ बोली कि आटा दे, आटा देने। और फिर तो आटा देने गया था, उसकी बीवी बैठी थी वहाँ पे काउंटर पे, बीवी बैठी थी। तो मैं गया तो मैं सोचा कौन है कौन है, किसको लेके जाऊँ किसको लेके जाऊँ, बोला ठीक है इसको ही लेके जाता हूँ। तो मैं जैसे आटा लिया, छुट्टा पैसा वगैरह लिया, किसान में डाला, मैं बोला अभी क्या करूँ, तो मैंने ऐसा चेहरा बना लिया, बोला अभी आंटी मैं आपको एक बात बताऊँ। आंटी बोली क्या हुआ बेटा, आप इतने क्या हुआ आपको, आपने ऐसा रोने जैसा चेहरा क्यों किया है। बोला आंटी एक ना प्रॉब्लम हुआ है, तो मैं आपको बताऊँ क्या। तो आंटी बोली क्या हुआ बेटा, पैसा नहीं रहेगा तो बाद में दे दे चले, आप रोज आते हो। बोला नहीं आंटी ऐसा नहीं है, ज़रा ना मतलब प्रॉब्लम हो गया है मेरे घर पे। ओके तो आंटी बोली ठीक है बेटा, साइड में आओ। साइड में गया, फुल एक्टिंग चालू है। बोला आंटी एक्चुअली ना मैं कॉलेज नहीं गया, तो बहुत मतलब टीचर ने बुलाया अभी पेरेंट्स मीटिंग के लिए, और मैं मम्मी पापा को तो लेके नहीं जा सकता। पापा मालूम है ना आपको, पापा बैट से मारते और मम्मी तो जान ही ले लेगी मेरी, मम्मी ऊपर से इमोशनल ड्रामा करेगी ये सब करेगी। तो आंटी बोली फिर क्या हुआ बेटा, आप क्यों नहीं गई कॉलेज। बोला क्या आंटी आप क्या बोल रहे हो, मैं ये सब मन में बोला कि क्या बोल रहे हो आंटी, मैंने अपना एक्टिंग चालू रखा। बोला आंटी आप आ सकते हो क्या कल मेरे साथ। तो आंटी एक मिनट के लिए शॉक, क्या बोल रहा है। बोला नहीं आंटी वैसा कुछ नहीं, आपको सिर्फ आना है और बोलना है कि ये मेरा बेटा है। मतलब बेटा बेटा भी मैं बोल दूंगा, आप सिर्फ इतना बोलो कि हाँ मैं इसकी माँ हूँ, मैं इसको समझाती हूँ, और टीचर वगैरह डांट रही रहेगी तो बोलो। तो फिर आगे क्या हुआ। फिर मैं लेके गया दूसरे दिन चक्की वाली के बीवी को, मैं लेके गया कॉलेज, चक्की वाले की बीवी को लेके गया। फिर कॉलेज में लेके गया, तो वहाँ पे गया और टीचर के पास लेके गया, तो टीचर बोली कि हाँ ओमकार ने मस्ती किया ये सब ये सब, वो सब सीन हुआ। तभी टीचर को भरोसा भी हो गया कि हाँ ये सब मतलब ये मेरी मम्मी मम्मी है इसकी, चक्की वाली की बीवी को इसके टीचर ने उसकी माँ समझ ली। फिर आगे तो वो सब हो गया। फिर उसके बाद एग्जाम्स हुए, यूनिट टेस्ट थी। यूनिट टेस्ट में तो क्या अपना कैसा रहता है पता है ना, लिखने का भाग जाने का। फिर तो यूनिट टेस्ट था, तो हम लोग ने लाइटली दिया, खत्म हो गया। तो उसमें सब में पासिंग मार्क्स, एक में केटी, फेल। हाँ तो उसके बाद था सेमिस्टर एग्जाम। अच्छा। तो सेमिस्टर के लिए वापस एक पेरेंट्स मीटिंग हुआ। तो बोर्ड्स का जब भी पेरेंट्स मीटिंग रहता है तभी फिर जो अपना फाइल रहता है ना कॉलेज का, तो फाइल में से नंबर निकाल के मम्मी को फोन किया। तभी अच्छा। तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता था। अरे बाप रे। तो मैं बोला अभी हो गया, तो टीचर ने फोन किया तो मतलब समझना मेरा पड़ गया था पूरा। हाँ फिर तो मैं घर पे गया, फिर मैं बोला अभी तो खत्म हो गया, मैं घर पे गया। मम्मी बोलती है ओमकार कल पेरेंट्स मीटिंग है, मैं आ रही है। मैं वो दिन भी कॉलेज ही नहीं गया था। बाप रे। मैं घर पे आने के बाद मेरे को समझा रहे कल पेरेंट्स मीटिंग। हाँ मम्मी हाँ कल आ मेरे साथ पेरेंट्स मीटिंग है, ठीक अच्छा। है जब भी गया मम्मी को लेके, हाँ पहले तो वॉचमैन ने वापस देखा, वॉचमैन बोलता है तू फिर नहीं आ रहा था कॉलेज, उस दिन तेरे को देखा था मैं। तो वो सब तो सीन हो गया, चलो मैं घुस गया कॉलेज में, ऊपर गया पेरेंट्स मीटिंग के लिए। तो हमारे जैसे जो बच्चे थे कि जो कॉलेज नहीं आते, उनके लिए पहले से ही अलग से मीटिंग रखा थी, मतलब रखा था। अच्छा स्पेशल मीटिंग। हाँ स्पेशल मीटिंग, वो भी अलग क्लासरूम में। अच्छा। पहले से ही बुलाया था अलग। अरे बाप रे। फिर अलग क्लासरूम में गए, वहाँ पे गए तो सब मतलब सीन ऐसा हुआ कि वो सब नॉर्मल मीटिंग कंप्लीट करके सब के सब टीचर आ गए थे वहाँ। अरे बाप। हम लोग के लिए स्पेशल मीटिंग था। अच्छा। स्पेशल मीटिंग में एक एक बच्चे को बुला रहे थे, बैठा रहे थे। तो जैसे मेरी मम्मी आई बैठी, और हम लोग की क्लास टीचर है, तो क्लास टीचर पहले आके बोलते है अरे ओमकार मम्मी किधर है। हाँ। तो मेरी मम्मी मेरे पास देख रही है, मेरे को बोलती है ओमकार क्या। तो फिर मेरे पास तो कुछ ऑप्शन ही नहीं था, बोला हाँ मैडम यही मेरी मम्मी है। तो मैडम बोलते हाँ मेरे ओमकार मेरे को बराबर याद है, पिछले टाइम ये नहीं थी, पिछले टाइम कोई और ही थी। तो मम्मी मेरे पास देख रहे हैं, ओमकार पिछले टाइम ये नहीं थी कोई और ही थी। कितनी माँ है तेरी, कितनी माँ है तेरी। तो सुन तो क्लाइमैक्स तो सुन। फिर उसके बाद टीचर शॉक, मम्मी शॉक। तो मम्मी मेरे पास देख रही है, तो टीचर बोलती है पिछले टाइम आप नहीं थे ना, आप सच बताओ, सच आप इसकी माँ हो ना। हाँ। सच बताओ। हाँ। आपका आधार कार्ड दिखाओ। आधार कार्ड। हाँ आपका आधार कार्ड दिखाओ, सब दिखाओ। मेरे को ये बंदा तो पहले से ही झूठ लग रहा था। हाँ। ऊपर से पहले कोई और अभी कोई और। हाँ। बोला ठीक है चलो,
तो फिर मम्मी बोली नहीं मैं इसकी मतलब मैं इसकी सच्ची माँ हूँ. उधर अलग ही सीन, मम्मी को प्रूफ करना पड़ रहा है कि मैं ओमकार की माँ हूँ. उधर से शुरुआत हो गई. तो फिर टीचर बोली कि नहीं नहीं पिछले टाइम भी कोई तो आई थी वो भी इसकी माँ थी, आप भी इसकी माँ हो. कितने माँ है ओमकार, कितने माँ है यार कितने माँ है. तो मैं तो फंस गया था, मेरी तो फुल फट गई थी. ठीक है. तो बाद में मैं बोला कि नहीं मैडम, तो मेरे को कुछ ऑप्शन ही नहीं था तो मेरे को एक्सेप्ट करना पड़ा कि पिछले टाइम मेरी मेरी एक फ्रेंड की माँ आई थी ऐसा मैंने बोला. हाँ अभी बोल तो नहीं सकता कि चक्की वाली भी आई थी. चक्की वाली को क्या बोलूँ. फिर मम्मी भी बोलेगी क्या है, बोलेगी चक्की चक्की लेने जाता है कि उसकी बीवी को लेने को जाता है. और फिर गाइस तो ये ऐसा कांड किया है और भी बहुत सारे कांड किए हैं हमारे ओमकार भाई ने, वो फिर फुर्सत में नेक्स्ट व्लॉग में बोलेंगे. सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस लवली व्लॉग. पार्ट 3 पार्ट 4 बहुत पार्ट है, बहुत आएंगे इस किस्से के. सो आई होप यू एंजॉयड वाचिंग दिस व्लॉग. सो जाते अभी मैं एंड कर रहा हूं. मोबाइल छोड़ो, मोबाइल छोड़ो अभी. सो जाते तो लाइक बटन को दबाकर कीजिए, ब्लू सब्सक्राइब बटन को दबाकर कीजिए. और अगर आपको ओमकार की स्टोरी अच्छी लगी रहेगी देन इस वीडियो को लाइक कितना रखे, लाइक का एम कितना रखे, 5000 हमेशा. इस टाइम 6000 लाइक्स का एम रखते हैं. और जिसको जिसको पेरेंट्स मीटिंग हो जाने का है मेरे को फोन करो. ये मम्मी अरेंज करके देगा आपको. डीएम ये मम्मी अरेंज करेगी. डीएम ओके. सो बाय बाय. बता अपने व्यूअर्स को. 1 2 3 1 2 1 1 1 2 3